हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं रमन हाजिर हूँ आपके लिए नई और बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेकर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल होने वाली है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर फंडामेंट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आपको अभी कंप्यूटर फंडामेंट का इंडेक्स यहाँ पर शो हो रहा है, इसमें फ्रेंड्स हमारे पास बेसिकली यहाँ पर चार टॉपिक्स आ जाते हैं। सबसे पहला तो है हमारे पास कंप्यूटर फंडामेंटल्स। तो इसमें फ्रेंड्स हम इसके बेसिक के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेकर इसे चलेंगे। उसके बाद सेकंड आ जाएगा व्हाट इज़ कंप्यूटर, फिर आ जाएगा कंप्यूटर हिस्ट्री के बारे में, तो फिर हमारे पास लास्ट में आ जाएगा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले फर्स्ट के बारे में बात करते हैं आज के हम इस वीडियो में। तो ये है हमारे पास कंप्यूटर फंडामेंटल्स। तो बेसिकली फ्रेंड्स कंप्यूटर फंडामेंटल्स की हमारे पास 9 टाइप्स आ जाती हैं। सबसे पहली इसके है हमारे पास, फर्स्ट में हमारे पास आ जाती है इनपुट डिवाइसेस, सेकंड आउटपुट डिवाइसेस, थर्ड मेमोरी, फोर्थ सीपीयू, फिफ्थ मदरबोर्ड, सिक्स्थ कंप्यूटर नेटवर्क, सेवन्थ वायरस, एट्थ सॉफ्टवेयर एंड नाइन्थ एंड लास्ट हार्डवेयर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में कि भाई इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। तो इनपुट डिवाइसेस बेसिकली फ्रेंड्स वो डिवाइसेस होती हैं जिनसे हम पीसी को इनपुट देते हैं। जैसे कि हम कीबोर्ड से इनपुट देते हैं, कीबोर्ड से हम किसी भी बटन को प्रेस करते हैं तभी हम उसमें लिख सकते हैं। सेकंड है हमारे पास माउस, थर्ड है हमारे पास जॉयस्टिक, फिर है हमारे पास ट्रैक बॉल, फिर है स्कैनर, टच स्क्रीन, वेबकैम एंड माइक्रोफोन। फ्रेंड्स माइक्रोफोन इसमें हमारे पास जो एक्सटर्नल माइक्रोफोन होता है, जैसे कि हमारे पास बोया भाई M1 का माइक होता है, चाहे हमारे पास और कोई भी यहाँ पर हमारे पास रॉड माइक होता है, वो इसी में ही आ जाएगा। तो ये थी फ्रेंड्स हमारे पास इनपुट डिवाइसेस। तो फ्रेंड्स अभी हम बात कर लेते हैं सेकंड के बारे में, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास फर्स्ट में आ जाता है मॉनिटर। तो मॉनिटर में फ्रेंड्स हमारे पास आ जाती है LCD और LED, वो भी इसी में ही आ जाएगी। तो मॉनिटर फ्रेंड्स जैसे कि हम कीबोर्ड पर किसी भी चीज़ को टाइप करते हैं, जैसे कि मैं अपना नाम टाइप कर लेता हूँ रमन, या अपने चैनल का नाम टाइप कर लेता हूँ रमन PB03, तो वो मेरे को यहाँ पर स्क्रीन पर शो होगी। तो स्क्रीन क्या है हमारे पास, मॉनिटर, यानी कि एक हमारे पास आउटपुट है। सेकंड है हमारे पास प्रिंटर। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम किसी भी चीज़ को प्रिंट करना चाहते हैं, पहले हमें उसकी इनपुट देनी पड़ेगी, फिर वहाँ से आउटपुट निकलेगी। फिर है हमारे पास स्पीकर, उसके बाद है हेडफोन, प्रोजेक्टर, टच स्क्रीन और पुलेटर और GPS। तो फ्रेंड्स पुलेटर हमारे पास होता है, जैसे कि फ्रेंड्स आपने कभी ना कभी अपनी बाइक पर या अपनी कार पर अपना नाम या अपना गो तो लिखवाया ही होगा। तो वो जिस मशीन में वो प्रिंट करते हैं, जिसमें वो बड़ा सारा पेज डालते हैं और उसमें प्रिंट होकर आ जाता है, उसे फ्रेंड्स हम यहाँ पर पुलेटर कह देते हैं। GPS होता है फ्रेंड्स, ये एक हमारे पास ट्रैकिंग डिवाइस है, इसे हम GPS कह देते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी ने सोचा होगा कि भाई इनपुट में आपने टच स्क्रीन भी लिख दिया और आपने आउटपुट में भी टच स्क्रीन दे दिया, क्योंकि फ्रेंड्स टच स्क्रीन के लिए हमें उस पर टच करना पड़ेगा, हमें उसे इनपुट देनी पड़ेगी और आउटपुट हमें उसी स्क्रीन से मिल जाएगी। जैसे कि अभी हमारे पास जो मॉनिटर आ रहे हैं वो भी हमारे पास धीरे धीरे आने वाले कुछ ही समय में हमारे पास इनपुट और आउटपुट दोनों में आने लग जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स वो सभी टच स्क्रीन आने लग जाएंगे। तो अभी फ्रेंड्स जैसे कि हमारे पास टच स्क्रीन है, ये हमारे पास दोनों में ही आ जाएगी। तो उसके बाद फ्रेंड्स बात कर लेते हैं थर्ड के बारे में। थर्ड है फ्रेंड्स हमारे पास कंप्यूटर मेमोरी। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर मेमोरी फ्रेंड्स बेसिकली हमारे पास 3 तरीके की होती है। सबसे पहले हमारे पास होती है प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम मेन मेमोरी भी कह देते हैं। सेकंड होती है हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी, और थर्ड हमारे पास होती है कैश मेमोरी। तो आपने फ्रेंड्स प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में तो सुना ही होगा, तो कैश मेमोरी भी एक हमारे पास मेमोरी होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई कैश मेमोरी हमारे पास क्या होती है। तो फ्रेंड्स कैश मेमोरी CPU के बिल्कुल पास होती है और इसे हम CPU मेमोरी भी कह देते हैं। जो फ्रेंड्स हमारे पास रिसेंट इंस्ट्रक्शन होती हैं उन्हें जे स्टोर करके रखने का काम करती है। और हमारे PC में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, वो भी हमारे पास यहाँ पर कैश मेमोरी ही होती है। तो कैश मेमोरी फ्रेंड्स हमारे कंप्यूटर में जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसे हाई स्पीड प्रदान करने का काम भी कैश मेमोरी ही करती है। तो इसमें फ्रेंड्स हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, CPU के सबसे पास मेमोरी कौन होती है, कैश मेमोरी होती है। तो जो हमारे सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, वो भी कैश मेमोरी होती है। जो हमारा प्रोसेसर होता है उसको हाई स्पीड कौन सी मेमोरी प्रदान करती है, कैश मेमोरी प्रदान करती है। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ यहाँ पर क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास आते हैं CPU। तो फ्रेंड्स आप सभी भाइयों को मैं बता दूं, जानकारी दे दूं कि भाई जो हमारे पास CPU होता है, जैसे कि हम देखते हैं कि भाई आपके पास CPU होता है, एक मॉनिटर होता है, कीबोर्ड माउस होता है, तो जो आपके पास CPU होता है फ्रेंड्स आप क्या करते हो, जो आपके पास पूरा बॉक्स होता है जैसे कि आपको भी दिख रहा है, वो फ्रेंड्स आपके पास CPU कैबिनेट होता है।
कैबिनेट का मतलब जिसमें हम सीपीयू को रखते हैं उसे हम सीपीयू कैबिनेट कह देते हैं। तो वो हमारे पास यहाँ पर सीपीयू कैबिनेट होता है। तो सीपीयू जैसे कि आपको भी यहाँ पर शो हो रहा है बिल्कुल ऐसा छोटा सा होता है। इसकी फुल फॉर्म हमारे पास होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो फुल फॉर्म के ऊपर आपको एक वीडियो फुल कंप्लीट मिल जाएगी जिसमें हम सभी शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में बात कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अभी कुछ ना कुछ यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीपीयू के रिलेटेड। तो सीपीयू को फ्रेंड्स अगर आपके पास आ जाए प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर, अगर आपके पास ऑप्शन आ जाए, अगर जैसे कि आपके पास ऑप्शन आ गई सीपीयू क्या होता है, आपको नीचे पिक दी गई हो, जब आपको पूछा जाए माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, तो माइक्रो प्रोसेसर जो फ्रेंड्स हमारे पास अपना सीपीयू होता है उसे ही हम माइक्रो प्रोसेसर कह देते हैं, उसे ही हम यहाँ पर प्रोसेसर कह देते हैं। तो फ्रेंड्स सीपीयू का मैं आपको बेसिक वर्क बता दूं कि भाई इसका क्या काम होता है। जैसे कि फ्रेंड्स हम अपने पीसी में इनपुट देते हैं, वहां से हमारे पास आउटपुट आती है। तो इसमें जो भी प्रोसेस होता है इनपुट देने का, आउटपुट आने का, और इसमें जो भी गतिविधियां होती है, जो भी इसमें प्रोसेसर होते हैं, जो भी इसमें कोई भी इसमें प्रोसेस होता है, उसमें जो भी तालमेल बनता है ना वो सीपीयू की वजह से ही बनता है। यानी कि हमने क्या इनपुट दी, क्या उसमें से हमें आउटपुट मिली, तो वो जो सभी तालमेल है, वो जो सभी गतिविधियां हैं, वो सीपीयू के कारण ही होती हैं, वो सीपीयू की वजह से ही हमारे पास होती हैं। तो इसे हम यहाँ पर सीपीयू कह देते हैं। तो सीपीयू के फ्रेंड्स बाद में हमारे पास आ गया मदरबोर्ड। भाई मदरबोर्ड क्या होता है, जैसे कि फ्रेंड्स आपको भी यहाँ पर पिक शो हो रही है मदरबोर्ड, इसे हम मदरबोर्ड कह देते हैं। इसे फ्रेंड्स आपके नाम से ही शो हो रहा है मदरबोर्ड, यानी कि मदर मतलब माँ, यानी कि बोर्ड। तो फ्रेंड्स जो भी इस पर जो भी हमारे सीपीयू में जितने भी आपको चीज़ें दिख रही हैं, रैम, सीपीयू, हार्ड डिस्क, जितने फ्रेंड्स आपको यहाँ पर चीज़ें दिख रही हैं वो सभी इससे जुड़ी होती हैं। जैसे कि मैं अभी आपको बता दूँ सीपीयू, रैम, HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव, जो हमारे पास हार्ड डिस्क होती है, मॉनिटर, बायोस। बायोस फ्रेंड्स हमारे पास एक चिप होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम भी हम उसे कह देते हैं। ये हमारे पास एक बायोस होती है, तो ये एक चिप होती है जो हमारे इनपुट और आउटपुट के सिस्टम को सारे को कंट्रोल करती है। तो उसके बाद हमारे पास आ गया CMOS। तो CMOS फ्रेंड्स हमारे पास एक सेल हो, सबसे मेजर फंक्शन है आपका टाइम। मैं आपको टाइम की यहाँ पर एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स आपका टाइम होता है, आप देखते हैं कि भी आज मैंने अपना कंप्यूटर 12:14 पर बंद कर दिया, और कल अगर आपने 3 बजे कंप्यूटर को स्टार्ट किया तो उसका टाइम बिल्कुल सेट रहेगा। तो वो जो उसका टाइम है, वो जो उसमें एक सेल होता है CMOS सेल, उसकी वजह से ही सही रहता है। तो उसके बाद फ्रेंड्स बात कर लेते हैं नेक्स्ट के बारे में। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारे पास आता है नेटवर्क, कि भाई कंप्यूटर नेटवर्क हमारे पास क्या होता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क फ्रेंड्स हमारे पास, जैसे कि हमें कोई भी किसी भी चीज़ को शेयर करना, मैं आपको इसकी एग्जांपल बता देता हूँ, नहीं तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर हम इसे डीप में करने लग जाएंगे। तो जैसे कि आपको कोई भी फाइल, डाटा या कोई भी चीज़ आपको शेयर करनी होती है, तो वो आप नेटवर्क के थ्रू ही शेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ शेयरिंग सॉफ्टवेयर भी चाहिए होंगे। तो इसमें फ्रेंड्स हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि भाई कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार का होता है। ये 3 प्रकार का होता है, लैन, मैन और वैन। तो मैं आपको लैन के बारे में बता दूं, लैन फ्रेंड्स हमारे पास होता है लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे कि फ्रेंड्स आपके स्कूल में एक लैब होगी, लैब में फ्रेंड्स एक मेन पीसी होता है और जो सभी पीसी हैं वो उस पीसी से कनेक्ट होते हैं। हमारी लैब में एक मेन पीसी होता है, सभी पीसी उसमें से कनेक्ट होते हैं। तो क्या होता है, जो मेन होता है, जो सबसे हाई स्पीड होती है, वो उस पीसी की होती है। उस पीसी से जो नेटवर्क है वो सभी पीसी तक जाता रहता है, क्योंकि वो एक मेन पीसी होता है। जैसे कि हमें विंडो करनी होती है तो हम अपना गोस्ट क्रिएट कर लेते हैं, जो हमारा मेन पीसी होता है उसके थ्रू हम सभी में विंडो कर सकते हैं गोस्ट के थ्रू। तो गोस्ट यानी कि भूत, गोस्ट के थ्रू फ्रेंड्स हम यहाँ पर विंडो कर सकते हैं। तो ये होता है फ्रेंड्स हमारे पास लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। ये फ्रेंड्स एक ही कमरे के अंदर होता है, इसे हम लैन नेटवर्क कह देते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया मैन। मैन नेटवर्क फ्रेंड्स हमारे पास होता है, जैसे कि आपके पास अभी कोई एक बिल्डिंग है, जैसे कि आपने देखा होगा कि भाई आपके, जैसे कि मैंने अभी आपको लैन की एग्जांपल दी, तो जो लैन तक कनेक्शन पहुंचता है वो कहां से पहुंचता है, मैन से। जैसे कि आपको अभी पिक शो हो रही है कि भाई जैसे एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग, दूसरी बिल्डिंग से तीसरी बिल्डिंग, तीसरी बिल्डिंग से चौथी बिल्डिंग, जो इन बिल्डिंगों के बीच में जो भी कनेक्शन होता है वो मैन कनेक्शन होता है। तो ये फ्रेंड्स एक बहुत बड़े एरिया में होता है। जैसे कि फ्रेंड्स मैं आपको एक एग्जांपल और दे दूं, जैसे कि आपका कोई स्कूल है, बहुत बड़ा स्कूल है आपका, और उसमें 2 कंप्यूटर लैब हैं, जहां उसमें 2 बिल्डिंग है, एक हिंदी मीडियम की और एक इंग्लिश मीडियम की। तो क्या करना है, जो आपका जो स्टाफ होगा, जो आपके स्कूल के जिन्होंने भी उसे मैन्युफैक्चरिंग किया होगा, तो वो क्या करेंगे, वो एक यहाँ पर मैन नेटवर्क लगा देंगे। उसमें क्या होगा कि वो
जो हमारे पास लैन नेटवर्क होंगे, जैसे कि जो आपकी कंप्यूटर लैब होगी, वो दोनों कंप्यूटर लैब्स को एक ही नेटवर्क से कनेक्ट कर देंगे, जिसे हम मैन नेटवर्क कह देते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास होता है वैन। वैन फ्रेंड्स क्या होता है, जो जैसे कि हमारे पास अभी जैसे हमारा शहर है, यहाँ पर मेरा शहर यहाँ पर बठिंडा पड़ता है, तो बठिंडा से यहाँ पर सभी गांवों में जाती है, जैसे कि हमारे विलेज में आ गया, या किसी और विलेज में, या किसी और सिटी में चला गया, तो उसको हम वैन नेटवर्क कहते हैं। यानी कि ये बहुत बड़े एरिया में फैला होता है, ये बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। इसके अंदर ही हमारे पास वैन नेटवर्क आ जाता है, इसके अंदर ही हमारे पास लैंड नेटवर्क आ जाता है। यानी कि सबसे बड़ा होता है हमारे पास वैन नेटवर्क। वैन में हमारे पास क्या होता है कि भाई हम दूसरे शहरों में नेटवर्क की सप्लाई करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया मैन। तो मैन में क्या होता है, हम दूसरी बिल्डिंग में सप्लाई करते हैं। और उसके बाद हमारे पास आ गया लैंड। तो लैंड में क्या होता है, दूसरे पीसी में हम सप्लाई कर देते हैं, यानी कि सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास आ गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास आ गया कंप्यूटर वायरस। तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारे पास वायरस होता है, वायरस हमारे पास, इसे हम इस तरीके से जान सकते हैं, जैसे कि वायरस एक तरीके का कंप्यूटर का प्रोग्राम है जो खुद की कॉपी करता रहता है। जैसे कि अभी उसने अपना क्लोन क्रिएट कर लिया, फिर क्लोन क्रिएट कर लिया, फिर क्लोन अपना क्रिएट कर लिया। तो इससे करता क्या है, ये फ्रेंड्स एक से दूसरी फाइल में, दूसरी से तीसरी फाइल में ऐसे चलता रहता है। और उसके बाद ये क्या करता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, दूसरे में तीसरे कंप्यूटर में, तो इस तरीके से ये चलता रहता है, इसके सीरीज चलती रहती है। तो वायरस होता है जो पेन ड्राइव के थ्रू एक पीसी में दूसरे पीसी में चला जाता है, और इसमें का कोई जरिया नहीं होता। तो फ्रेंड्स उसके बाद हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो जैसे कि फ्रेंड्स अभी हम अपना पीसी ओपन करते हैं, अगर आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर ना हो तो आपका पीसी बिल्कुल वर्क नहीं करेगा, यहाँ पर बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी। जैसे कि आप विंडो करते हो तो विंडो भी एक तरीके का हमारे पास सॉफ्टवेयर आ जाता है। तो फ्रेंड्स मैं अगर आपको यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से बताऊँ कि अगर अपने हार्डवेयर को वर्क कराने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, वो होती है हमारे पास सॉफ्टवेयर। जैसे कि हमारा जो मॉनिटर होता है, उसे अगर हम वर्क कराना चाहें तो उसे हम एक हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसे हम सॉफ्टवेयर कह देते हैं। अगर आपको अपनी किसी भी चीज़ को वर्क करना है तो उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। इसे फ्रेंड्स हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर फ्रेंड्स क्या होता है, जो हमारे पीसी में पहले से इंस्टॉल होता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फ्रेंड्स जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है, हम अपने हिसाब से उन्हें इंस्टॉल कर लेते हैं। तो लास्ट में फ्रेंड्स हमारे पास आ गया हार्डवेयर। तो हार्डवेयर में फ्रेंड्स आप सभी को पता ही होगा, जिन चीज़ों को हम टच कर सकते हैं उन्हें हम हार्डवेयर कह देते हैं। हार्डवेयर में फ्रेंड्स हमारे पास जैसे भी चीज़ें आ जाती हैं, जो भी आपको यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो रही हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आज की ये वाली वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ नॉलेजफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह।